पारंपरिक खेती के अलावा आप केले की खेती कर भी मुनाफा कमा सकते हैं और आप आर्थिक रूप से सबल हो सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है मधेपुरा जिले के गम्हरिया के किसान अरुण जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केले की खेती का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि वो लगभग 5 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा दिख रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिले की गमरिया प्रखंड के चिकनी फुलकाहा में हैं। हमारे साथ किसान हैं, अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष हैं एक कॉलेज में और खेती किसानी में भी काफी मन लगाते हैं। 5 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो न्यूज 18 में आपका स्वागत जी। आपका भी बहुत बहुत बधाई, आप हमसे मिले। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कितने में आपकी केले की खेती हो रही है? तकरीबन 5 एकड़ में केले की खेती हम किए। ये केले की खेती करने के लिए क्या सोच करके आपने किया था, क्या इसका उद्देश्य? देखिए, केला का खेती पारंपरिक से हटके है। धान, चावल, गेहूं, इस सब के उत्पादन में इतना खर्चा आता है, उत्पादन तो उतना आता नहीं है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो मुनाफा कम मिलता है। केला की खेती हम यह सोच के किए कि मैनुअल लेबर इसमें कम लगेगा और बिक्री के लिए इसमें समस्या नहीं है। जिस केला को आज आप बेच सकते हैं, आज उसको आप 1 महीना के बाद भी बेच सकते हैं, इसको एक्सपायरी डेट इसका बचा रहा है, तो मार्केटिंग का इसमें समस्या नहीं है। जहां मन हो वहां आप जाके बेच सकते हैं। हमको तो और अधिक करने का इरादा था, लेकिन सोचे पहली बार देख लेते हैं करके कि कहीं ज्यादा नुकसान में तो नहीं जाए। लेकिन जब हम किए तो अब हमको अनुभव हो रहा है, 1.5 साल हो गया हमको इस केला के बिजनेस में, अब लग रहा है कि हम मुनाफा में हैं। है तो 1.5 साल से पहले सामान्य किसान का केला पैदावार नहीं देता। हाँ, यही हम जानना चाहते थे कि आप कर रहे हैं, शिक्षाविद भी हैं और उसके बाद खेती भी कर रहे हैं। केला की खेती अक्सर लोग कहते हैं कि घाटे का सौदा हो जाता है, बड़ा टफ होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो आप कैसे कर? जी हाँ, इसके लिए धैर्य की जरूरत है। 1.5 साल में इसका रिटर्न आता है। जैसे आप धान का खेती करते हैं, 4 महीना में आपको उत्पादन आना शुरू हो जाता है, गेहूँ 4 महीना 5 महीना में आता है, लेकिन इसमें आप पूंजी लगाते जाइए, लेकिन 1.5 साल जब पूरेगा तब आपका केला कटेगा, तब आपको पैसा आएगा हाथ। 1.5 साल तक लोगों को धैर्य के साथ और खर्चीला खेती, दवा भी लगेगा इसमें, मजदूरी भी लगेगा और मिनरल्स भी लगेगा, केमिकल्स भी लगेगा, इस सब मिला के यदि आप 1.5 साल तक धैर्य के साथ इसका पालन किए तो यह आपको पाल जाए। तो अगर मान के चलिए कि जैसा आपने बताया सारे विधि जो इनकी होती है उनसे खेती करें तो लोगों को फायदा होगा। जी हाँ, 50,000 टका प्रति एकड़ खर्चा काट के किसी भी हालत में समझेगा, कम से कम। जी, जो बहुत ज्यादा मेहनत से करेंगे, जैसे मान लीजिए मजदूर जिसको कम लगेगा, मैंने छोटा किसान है अपने से करेगा, तो उसको तो वही 70,000 कर दीजिए, 80,000 टका कर दीजिए, मेहनत में बचेगा उसको। हमारे जैसे किसान जो मजदूर से करवाते हैं उसके लिए भी 50,000 टका खर्चा काटने जरूरी है। तो हमें ये बताइए कि अभी भी बात 1 साल तो आपको आया, इसी केला से हमको अगले साल फिर आएगा, इसका जो बच्चा निकलता है उसमें फिर घेर होता है और यह प्रक्रिया 3 साल तक चलेगा। तो इस साल यदि हमको कुछ खर्चा घर से करना ही पड़ा है तो अगले साल का खर्चा तो यह खुद देगा। एक ही साल लोगों को धैर्य धारण करना होता है केला में मुनाफा के। मुनाफा चाहते हैं तो धैर्य धारण करना। जी, 1 साल तक उसमें पूंजी लगाते जाइए, मेहनत करते जाइए, 1 साल के बाद मतलब आपको नजर, जब ये केला आपका फूटना शुरू होगा, फुटान पर होगा, तो आपको नजर आएगा कि अब हमको नफा आ रहा। हमको तो शक था पहले कि हमारा केला फूटेगा कि नहीं फूटेगा, चाहे तो सब कहते थे कि साल भर में ही हो जाएगा, साल भर में तो फूटा नहीं, लेकिन साल पूरते पूरते फूटना जब शुरू हो गया, अब तो देखिए आप है हमारे यहाँ। हमें ये बताइए कि जो आप केले की खेती कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी प्रजाति, कौन वेराइटी? T9 कृषि विभाग से ही हमको, यह उद्यान विभाग से यह पौधा मिला था, T9 कह के उन्नत वेराइटी है, टिश्यू से बनाया गया है और ये आपको ज्यादा लाभकारी होगा। उन्हीं मतलब उद्यान पदाधिकारी के निर्देश पर हम चला गए, आग्रह पर, निर्देश नहीं समझिए, आग्रह किए थे कि आप करिए, बड़ा किसान को ही करने का चीज है, प्रयोग में आप कीजिएगा तो बाद में सब करेंगे, और उन्हीं का अनुपालन करते हुए हम किए थे। सहयोग भी हमको मिला, बीज हमको दरवाजे पर पहुंचाए और बाद में जो केला हमारा सक्सेसफुल हुआ तो इस साल तो ही अमित जी जो आए हैं यहाँ पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, इनके सहयोग से
अनुदान की राशि भी हमारे खाते में आ गई 31,000 समथिंग, 16,000 या 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इसका है, तो 2 हेक्टेयर का अनुदान भी हमारे राशि में आ गया बिना एको पैसा घूस घास दिए। तो अगर मान के चले कोई किसान केले की खेती करना चाहते हैं तो उनके मन में कई प्रकार की संशय होता है जैसे आपने बताया, उनके लिए क्या कहना है? हिम्मत से आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। केला का खेती आप कीजिए, पारंपरिक खेती से कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। और इसके लिए जो मार्गदर्शन या बीज तो हमारे यहाँ मुफ्त में मिलेगा, या और जो कोई भी सहयोग, इसके कैसे इसका रखरखाव किया जाए, कैसे इसका मतलब मेहनत किया जाए, इसकी जानकारी भी हम आपको निःशुल्क देंगे और बढ़िया से सहयोग करेंगे। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, शिक्षाविद हैं और बड़े किसान हैं गम्हरिया प्रखंड के, और बड़े पैमाने पर केले की खेती करते हैं। पहले इन्हें भी संशय था कि केले की खेती कहीं घाटे का सौदा ना हो जाए, लेकिन जब अब इन्हें मुनाफा हो रहा है, फायदा दिख रहा है, तो ये और सोच रहे हैं कि और बृहद पैमाने पर इसकी खेती करें। इनका मानना है कि इनमें धैर्य धारण करना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इनमें आमदनी जो है वो 1 साल या 1.5 साल के बाद ही आना शुरू होता है। फिलहाल के लिए मधेपुरा के गम्हरिया से न्यूज 18 के लिए रविकांत को दीजिए इजाजत।